السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات معزز काबिर हज़रा कराम सदर इजलास जो इस उम्मीद के जिम्मेदार हैं और रूहानी खान वादा नस्बी शराफत की हामिल हम सब की जहां दीदा बहन मोहतरमा जनाबा औजमा नाहिद साहिबा बड़े सब्र के साथ इस मजलिस को चला रहे हैं बहुत शानदार अंदाज फिक्र नजर के साथ जनाब शाहिदुल हक साहब जी शाहिदुल हसन साहब हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जनाब राना साहब हजरत मालाना रशीद साहब अजमेरी दामद बरकियात हम जो रौनक मजलिस थे आप तशीफ ले गए माजसाम एजाम अमायदीन शहर परदह नशी खुवा उम्मत इस्लामिया मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं सवा ग्यारह बजे यहां आ चुका था आप सबका भी शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग आए डेढ़ बजे के बाद लोग आने शुरू हुए हम खुद को डॉक्टर तो नहीं कहते लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मरीजों के इंतजार में एक कंपाउंडर दुकान खोलकर बहुत देर पहले से बैठा था अजीजा ने अल्लाह का जो कानून है वो एक निजाम और सिस्टम के तहत चलता है और वो सिस्टम ये कहती है वो निजाम ये कहता है कि तुम मेहनत करने वालों का मुकाबला बद्दुआओं से नहीं कर सकते। और सुबह उठने वालों का मुकाबला देर तक सोने वाले मेरी कौम के नौजवानों तुम भी नहीं कर सकते तुम्हारा काम तो पतंगे उड़ाना है तुम कहां से आ गए कहां आ गए सब झमेले में क्या हमने कर रखा है मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं ये क्या कर रहा हूं 20-25 साल पहले मुझे तकरीर का शौक था मैं तकीर किया करता था लेकिन आपको सच बताता हूं अब मैं तकरीर नहीं किया करता हूं बल्कि अपना दर्द बताता हूं दूसरे का दर्द सुनता हूं तो मैं भूल चुका हूं जिसके घर में लाशें पड़ी हो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कहां से रहेगी आप बताइए जिसे यह बताया गया हो कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तुम्हारी आ, कौम की बीस लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी है नौजब मुझे हंसते हुए शर्म आती है चाहिए। मैं आप लोग मुझे जहां खाना खिला रहे थे वहां उस गली में ट्रैफिक बहुत जाम थी मैंने पूछा ट्रैफिक इतनी क्यों जाम है तो लोगों ने कहा यहां एक सैंडविच और चाय की दुकान है जहां साढ़े तीन बजे से पांच बजे तक भीड़ रश रहती है प्रॉब्लम यहां है मैं बहुत सिंपल आदमी हूं मैं आप लोगों की तरह स्कॉलर नहीं हूं मैं समाज को पढ़ता हूं मैं, मैंने किताबें मैं इनकार नहीं करता हूं अल्लाह का शुक्र है मैंने किताबें थोड़ी बहुत पढ़ी हैं। लेकिन मैंने समाज को ज्यादा पढ़ा है मैंने रिक्शे वाले को ऑटो वाले को फल वाले को प्याज बेचने वालों को मैंने उससे पढ़ा कि तू बता तेरा दर्द क्या है तू बता तेरा दर्द क्या है तो रात ये ताजा वाक्य है ताजा वाक्य आप लोगों को बता रहा हूं एक होटल है मुस्लिम इलाके में कि जहां साढ़े तीन बजे तक मुस्लिम नौजवान बैठी रहती है कितने बेशरम मां बाप है जो पूछते भी नहीं है मेरी औलाद तू कहां से आ रही है आप ऐसी कौम से उम्मीद रखते इनकलाब की अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूं जो कौम अपने रातों की इज्जत नहीं करती उस कौम को दिन का उजाला भी नसीब नहीं हुआ करता अपनी रातों को ठीक बनाओ अपनी रातों को ठीक बनाओ अपनी रातों को पाकिजा बनाओ मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता अपनी रातों को पाकिज़ा बनाओ अपनी रातों की इज्जत करो इसलिए कि दिन के उजाले रात के अंधेरे के बाद ही आया करते हैं जिसने रात की कदर न की उसे दिन भी ना मिला और उसे दीन भी ना मिला दीन भी ना मिला।, मिला कितने ऐसे हमारी कौम के नौजवान फाजिल पढ़े लिखे रईस चौधरी मालदार सौकार कारखाने वाले सेठ ऐसे भी हैं कि माफ कीजिएगा उनकी रात के बेउसूली ने उन्हें सालों गुजर गए दिन नसीब नहीं हुआ बाज को तो जहर भी नसीब नहीं होता है जिस आप कौमों को अगर देखना हो कौमों को अगर देखना हो तो आप पहले देखिए कि उसकी रातें कैसी हैं इब्ने रुश्द ने काजी इब्ने रुश्द ने कहा था एक पादरी से जब पादरी ने कहा मेरे इलाके बड़े तरक्की याफ्ता है मेरे इलाके बहुत डेवलप हैं अवेयरनेस है, है वहां पे तो इब्ने रुश्द ने कहा था हाँ तुम सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो हमारे यहाँ जब कोई म्यूजिशियन मौसीकार मर जाता है मुस्लिम इलाके में तो उसके मजामिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकने के लिए तुम्हारे इलाके में जाते हैं और जब तुम्हारे इलाके का कोई स्कॉलर मरता है तो उसकी किताबें बिकने के लिए हमारे इलाके में आती है। माफ कीजिएगा। शिवली ने एक शेर कहा था मुझे पता नहीं उससे कितना लोग इतफाक करेंगे लेकिन मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं कि मुझे अशार पढ़ने का सलीका बिल्कुल नहीं है मैंने आपसे कहा ना मैं एक दूसरे दर्द का इंसान हूं तो मेरे पास लच्छेदार जुमले हैं जो मैं आपकी तारीफ कर दू वाह गुजराती तुम्हारे पैसों से हिंदुस्तान का मदरसा चल रहा है अरे गुजरात के सेठ हो तुम बड़े दिलदार हो तुम बड़े काम वाले हो तुम तो पैसे पे पैसे लुटाते हो लेकिन नहीं मैं आपसे कहूंगा गुजरात के मालदारों होश में आ जाओ तुमने बहुत सारे लोगों की आदतें खराब कर दी है आपने चंदा इंडस्ट्री को डेवलप किया है आपने मजहबी को प्रमोट किया है शायद ये बात दूसरा कोई हिम्मत ना करे आपको बोलने की लेकिन मैं आपसे खुलकर कहता हूं मुझे किस बात का डर है मुझे जो कहना है वो मैं आपसे कह कर जाता हूं आपने मजहबी ताज़ीरों को प्रमोट किया है। आप सिर्फ पैसा देना आप समझते कि आपने बड़ा काम कर लिया चंदे दे दिए पैसे दे दिए इतनी जिम्मेदारी आपकी है आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्शन क्या है क्वालिटी क्या है माल क्या तैयार हो रहा है खुशियत इलाही कितनी है बददीनी कितनी है बेईमानी कितनी है बद कितनी है लूट खसोट कितनी है और अल्लाह की याद कितनी है इसको जांचना भी आप ही की जिम्मेदारी है लेकिन आपने अपना यह फर्ज पूरा न किया मेरी कौमिक आज हम कहां पहुंच चुके हैं किस पावदान पे पूरी दुनिया की बात हो रही है भाई शाहिदुल हसन साहब फरमा रहे थे सूरत की तारीफ करते हुए कि ये इंडिया का मानचेस्टर कहलाया करता है मैं सोच रहा था कि उस मानचेस्टर में अब मुसलमान भी कहीं फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मानचेस्टर अब आपकी वजह से नहीं है आप तो पेदरम सुल्तान बुद्ध मेरा बाप बादशाह था मेरा बाप बादशाह हमारा हाल यह है कि हम गरीब लड़की की शादी से लेकर बेवा और तो की किफालत तक ओलमा के तैयार करने शेखुल हदीस और शेखुल इस्लाम बनाने तक ढाई परसेंट जकत के पैसों के आगे हम सोच नहीं सकते क्या रेवोल्यूशन लाएंगे आप क्या रेवोल्यूशन लाएंगे जक़ात की जो रकम है रईस तबलीग हजरत मालाना यूसुफ साहब कान्धेलवी रत ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला अशात फरमाया था कि ज़क़ात मुसलमानों को बखालत की फहरिश से निकालने के लिए है वरना सखावत ज़क़ात देना नहीं है सखावत तो यह है कि ढाई अपने लिए हो साढ़े सन्तानवे उम्मत के लिए हो इंसानों के लिए हो अपने लिए, लेकिन जाहिर है बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है प्रैक्टिकली इंपॉसिबल तो नहीं कहूंगा अल्लाह वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने सब कुछ लुटा रखा है लेकिन दो तीन चीजें याद रखिए. एक है पूरी दुनिया का नक्शा यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज जापान ये उनका एक नक्शा है उनकी डेवलपमेंट है और एक हमारा नक्शा है तो जाहिर है कि भूख हमें लगी है रोटी हम तलाशेंगे हमें इससे मतलब नहीं कि पिज्जा कौन खा रहा था हमें तो वक्त पर सूखी रोटी दाल भी मिल जाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इनकार गोश्त से नहीं है बिल्कुल नहीं है जो लोग निहारी और बिरयानी की मुखालिफत करते हैं मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और डॉक्टरों से पूछ पूछ कर खाना चाहिए हलाल आप खाएं जो अल्लाह ने दिया बिल्कुल खाएं खाने से इनकार नहीं है मगर खाना सब कुछ नहीं है हमारे लिए उसके आगे की भी दुनिया है और वैसे भी जब तक गोश्त मिल रहा है खा लीजिए हां जब तक मिल रहा है खा लीजिए जब नहीं मिलेगा तो वाकई लोग नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे लेकिन एक बात तो है कि हमारे गोश्त खाने की वजह से कुछ सब्जियां आज सस्ती हैं अगर उधर बंद कर दिया तो हम भी इधर टूट पड़ेंगे तो फिर आपका भी क्या होगा महंगाई आपके लिए भी बढ़ेगी महंगाई हमारे लिए भी बढ़ेगी नबी <this> करीम वसल्लम के अखलाक हसना के ताल्लुक से कुरानी करीम ने जो शहादत दी है जो गवाही दी है मैं आपसे अर्ज करूं अखलाक हसना का अरूज ये कौमों का अरूज है और अखलाक का जवाल ही कौमों का जवाल है मिल्ल इस्लामिया क्या करें क्या करें उलझन है स्कूल कायम करें कॉलेज कायम करें इंडस्ट्री कायम करें रिवोल्यूशन लाए बिल्कुल लाए मुझे इससे इनकार नहीं है लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं कि मुसलमान इस दुनिया की भीड़ में आपको जो चीज मुमताज बनाती है इस दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में एक करोड़ मुसलमानों को जो स्पेशल आइडेंटिटी देती है वो आइडेंटिटी सिर्फ यह है कि दुनिया हर काम इसलिए करती है कि उसकी अपनी प्रोफेशन को निखारना मकसद होता है और मुसलमान के हर काम में फिक्र आखिरत और अल्लाह की रजा मकसूद होती है अगर रजाए इलाही मकसूद ना हो एक है सफाई क्लीनेस हाइजेनिक पूरी दुनिया आपको इस पर अपना प्रोडक्ट दे सकती है कि आप हमारी यह केमिकल इस्तेमाल करें आप 100 परसेंट हाइजेनिक हो जाएंगे सफाई होगी एक है सफाई सफाई में हम पूरी दुनिया के साथ हैं, क्या पाकिजमी पाकिजगी में, में पाकी में कंसेप्ट में दुनिया हमारे साथ है सफाई के आगे जो एक पाकी का एक पाकी की बारीक लाइन है वो लाइन हमें कौन समझाता है वो लाइन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझाती है तो मुसलमान सिर्फ सफाई को इख्तियार नहीं करेगा बल्कि सफाई पूरी दुनिया की भीड़ में वो साफ सुथरा है लेकिन उसे जो चीज मुमताज बनाती है वो सफाई हाइजेनिक के साथ साथ उसकी पाकिजगी का तस्वुर उसे दुनिया में मुमताज बनाती है अखलाक आप इस मुल्क में क्या दुनिया के किसी मुल्क में भी आप पूरी तरक्की करने के बावजूद अखलाक के बगैर अपनी रूहानियत को जिंदा नहीं रख सकते मैं अगर आप दुनिया में मुझसे पूछ ले मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं लेकिन जाहिर है कि बेतुल्ला शरीफ उसकी जियारत हम गुनहगार आंखों के लिए कितनी मुतबरक होती है कौन इससे इनकार कर सकता है मक्के शरीफ और मदीन मुनव्वरा की अहमियत और उसका एहतराम हमारे सर आंखों पर है लेकिन मैं दुनियावी लिहाज से बहुत ज्यादा मुतासर अगर लफ्ज मुतासर न कहूं तो जापान मुझे बहुत अच्छा लगता है और वह इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी जिंदगी में बेराह रवी और खाने पीने में हलाल का एक मसला नहीं है वो बड़े जाहिर सी बात उनके नजदीक दीन नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी में एक बड़ी खूबी है जो हजूर वालों को दिया था मुसलमान उससे खाली हो गया जापान उससे भर गया कि वो शराब खानों में भी बैठकर झूठ नहीं बोलते और हम मस्जिदों में, में भी बैठकर सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हमें देखना होगा अखलाक के तवाजुन को दुरुस्त कीजिए हमारी कौमें रात के के बजे बजे तक जिस नौजवान इनकलाब कौन लाएंगे तो बाजू कौन होंगे ताकत कौन होगी आज जापान के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये बयान दे रहे हैं कि हमारे पास यंग नौजवानों की कमी होने की वजह से शायद 2040 तक हमारा मुल्क यंग यूथ लेस कंट्री हो जाए लेकिन अजीजा ने मिलत आज इस मुल्क के अंदर जहां 64 परसेंट जवानों की तादाद है और उसमें मुसलमान भी शामिल है माशाल्लाह, तो इस कौम की तरक्की और इस कौम के दस्तो बाजू इस कौम की ताकतें और इस कौम का दिमाग और इस कौम का विजन और इस कौम की बसीरत नौजवान अगर रात के दो बजे चाय की होटलों में बैठी होगी तो तुम बताओ कि इस समाज में इंसाफ और सच का बोल कौन करेगा अहले गुजरात आपको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आप बिहार यूपी की फिक्र न करें वहां लोग हैं मैं उनको जगा लूंगा इंशाला मैं आपसे सिर्फ कहने आ रहा हूं कि आप अपनी औलादों की फिक्र कीजिए बहुत फिक्र कर ली आपने हमारे लिए माफ कीजिए आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अलहमद्ला बिल्कुल ठीक है कोई भूखा नहीं मर रहा है आप अपनी फिक्र कीजिए कि आपकी यंग जनरेशन ड्रग्स ले रही है आपकी यंग जनरेशन पान के दर अंदर नशा कर रही है आपकी यंग जनरेशन कोल्ड ड्रिंक में नशा डालकर पी रही है और यह सिर्फ आपका ही अल्मिया नहीं यह अलमिया जितना गुजरात के मुसलमानों का है उतना ही हैदराबाद के भी मुसलमानों का है मैंने हैदराबाद में कहा था शेरवानी और बिरयानी से आगे बढ़कर भी कुछ सोची आपकी औलादे कहां जा रही है हमने सारा इल्जाम मोबाइल फोन पर रख दिया है। कसूर सब मोबाइल फोन के, जनाब आली मोबाइल मशीन है हम तो इंसान हैं और इंसान होने के साथ साथ हम मुसलमान भी हैं इसका मतलब यह कि हमने अपने बच्चों को तरबियत तो नहीं दी है जब लेट नाइट तक बच्चे और बेटे और बेटियां केजी और नर्सरी में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां लेट नाइट तक गेम खेलते हैं मोबाइल में चैटिंग करते हैं तो माँ कहती है बेटी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है बाप कहता है बेटा जल्दी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है मुसलमानों के बच्चे के कान तरस गए दस सालों तक ये सुनते हुए कि जल्दी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है मां बाप कभी ये क्यों नहीं कहते मेरे बच्चों जल्दी सो जाओ सुबह फजर की नमाज के लिए उठना है फजर की नमाज आज मस्जिदें खाली होती चली जा रही हैं फजर की नमाजों में अपने नौजवानों को मस्जिदों में भरिए पार्लियामेंट जाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है मस्जिद जाने के लिए कौन सा चुनाव लड़ना पड़ता है मसल पावर दिखाने वाले और जिम में जाकर एक्सरसाइज करने वाले और अपने हाथों से दस किलो और पंद्रह किलो उठाने वाले नौजवानों तुम तो इतने बुजदिल हो कि सुबह अजान सुनकर तुमसे डेढ़ किलो की ब्लैंकेट नहीं उठाई जाती है क्या इनकलाब लाएंगे आप इनकलाब लाने के लिए पहले इनकलाबी बनना पड़ता है पहले हम इंसान तो बन जाए हजूर सलम ने अपने चाहने वालों के अंदर जो तरबियत आपने दी है वो रहम दिली की मुसलमानों बनो रहम दिल बनो रहम दि याद रखिएगा आप अगर आप बोझ बनेंगे तो उतार दिए जाएंगे मैं आपसे साफ साफ कहता हूं आप तहजुद गुजारें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए नमाज पढ़नी लेकिन अगर आप बोझ बनेंगे तो उतार दिए जाएंगे और अगर जरूरतें बन गए तो दिलों में सजा लिए जाएंगे ये हिंदुस्तान हम कोई सोने का चमचा हाथों तो में लेकर पैदा नहीं हुए और हिंदुस्तान हमारे मुकद्दर में वतन के तौर पर लिखा गया है लेकिन इज्जत और जिल्लत का दारोमदार इस बात पर है कि मुसलमान भारत में जरूरत बन रहा है या बोझ बन रहा है अगर आप बोझ बनेंगे तो उतार दिए जाएंगे और एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे कबूल कर लिए जाएंगे अजीजा मिल्लत अगर आप अपना बच्चा अपने बच्चे को भी गोद में बहुत देर तक लिए रहे और वो वजन महसूस होने लगे तो आप अपने बच्चों को भी उतार दिया करते हैं बोझ लगने पर बाप भी अपने बच्चे को उतार देता है मेरी कौम के लोगों इस मुल्क पर बोझ मत बनो वरना हर हुकूमत तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी आप जरूरत बने आप जरूरतें किस तरह से बन सकते हैं सबसे पहले हम अपने नौजवानों की हिफाजत करें इंशाला मैं जब नौजवान कह रहा हूं तो उसमें बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। एक मखसूस घरानों में कुछ लोग कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कर्म है लेकिन हमें तो पूरी उम्मत के बारे में सोचना है कि सिर्फ एक बड़े बाप का बेटा ही कामयाब हुआ यह कमाल नहीं है कमाल तो यह है हम सड़क पे चलते हुए एक ऑटो चलाने वाले के बच्चे को भी कामयाबी के राहों पर चलें कामयाब इंसान वो है जो सड़क पर चलता हुआ बच्चों के अंदर से टैलेंटेड बच्चों को उठाए और गैरों के बच्चों को आगे ले जाकर अपने से बेहतर बनाए और इस कौम का बदतरीन इंसान वो है जो जुमा पढ़कर फकीरों के हाथ में दस का नोट देकर समझता है कि मैंने उम्मत पर बड़ा एहसान कर दिया है आपने फकीरों को प्रमोट किया इसीलिए आज मुसलमानों में हर चौथा शख्स या तो भिकारी है या फकीर है मुसलमानों अपने पैसों की हिफाजत कीजिए और उन पैसों को जमा कर आप किफालत कीजिए और भिकारियों को कम कीजिए आज क्या वजह है मस्जिदों के दरवाजे पर भिकारी मजारों पे भिकारी खानकाओं में भिकारी हद तक भीख मांगने का ये कल्चर ये ट्रेंड इतना पावरफुल हो गया है कि गैर भी भीख मांगता है तो वो भी हरे रुमाल और टोपी पहन लेता है क्योंकि वो जानता है कि भीख मांगने का सिंबॉल ये इसके जिम्मेदार कौन है हुकूमत है इसके जिम्मेदार हम और आप हैं क्यों अजीजा ने मिल्ल आप आगे चले नबी करीम वसल्लम के जमाने में साहबा कराम का जो जमाना था ईशा के बाद मुसलमानों के मोहल्ले से कोई गुजरता था तो बिल्कुल सन्नाटा और सुबह तीन बजे जब मुसलमानों के मोहल्ले से कोई गुजरते थे तो घरों से रोने की आवाजें आती थी और वह सिसकियां मुसलमानों की थी जो रुकू और सजदे में अल्लाह से अपनी मकफरत और पूरी दुनिया की हिदायत मांगते थे मौर्रखीन ने लिखा है कि हजाज इब्ने यूसुफ जो बड़ा जालिम बादशाह था बड़ा जालिम शायद उससे ज्यादा जालिम हुकुमरान हमें देखने को ना मिले और अल्लाह करे के ना मिले हजाज इब्री यूसुफ के जमाने में भी मुसलमानों की सात साल की उम्र की बेटियों की कजा नहीं होती थी आज तो बाज़ लोग बाज लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फजर कब पढ़ी है याद नहीं है मुसलमान के उस घर में आप इनकलाब की फिक्र कर रहे हैं जिस घर में सात से आठ लोग हैं और किसी को भी फजर पढ़ने की तोफीक ना हुई मां है बहन है बीवी है बेटी है बेटा है शोहर है भाई है, के सोरे के सारे सोए हुए हैं, जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए फजर के वक्त में उठकर लोग अल्लाह को याद करने वाले ना हो उस कौम की तकदीरें तकरीरों से नहीं बदला करती फिर अल्लाह किसी को मुसलत कर दिया करता है जिससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अजीजा ने मिल्ल नबी करीम सल्लाह रास्ते से जा रहे थे आपने सड़क पे तकलीफ देने वाली चीज को देखा कोई चीज पड़ी थी पत्थर ईंट वगैरह आपके साथ सहाबात की जमात थी दरुद सलाम हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ नहीं फरमाया आप आगे बढ़े और अपने हाथ से उस तकलीफ देने वाली चीज को उठाया और किनारे रख दिया और फिर इर्शाद फरमाया कि लोगों रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो हर गुजरने वाले की तरफ से अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा चंद दिनों के बाद यहूदी चार पांच नौजवान जो यहूद थे वो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में कांटे की एक डलिया पड़ी हुई है उसने देखा और अपने दोस्तों से कहा ठहरो एक, एक बात एक बात तुमसे कहता हूं जब से ये कांटे की डलिया इस सड़क पे पड़ी है मैं दावे से कहता हूं कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है अगर मुसलमान गुजरता तो तकलीफ देने वाली चीज रास्ते पर नहीं होती जो मोहल्ला सबसे ज्यादा साफ होता था वो मोहल्ला मुसलमानों का मोहल्ला कहलाता था जो मकान सबसे ज्यादा साफ हो वो मुसलमान का मकान कहलाता था जो गलियां साफ सुथरी होती थी वो तो मुसलमानों की कहलाती थी आज हमारी पहचान गंदगी हमारी पहचान घरों के दरवाजे पे कूड़ा और हमारी पहचान आवारा बेदरेज ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए बाइक चलाने वाले नौजवान ये हमारी शनाख्त और आप चाह रहे इज्जत बोले आप चाह रहे में आपकी अजमतें पैदा हो अजमते से, पैदा होती से पैदा नहीं होती मुसलमानों अपनी औलादों को बाइक दिलाओ मगर दिलाते वक्त ये कह देना मेरे बच्चे जब सड़क पर चलना तो इस तहजीब के साथ चलना कि दुनिया कहे इंसान की औलाद है कोई जानवर नहीं जा रहा है विदाउट हेलमेट तीन तीन नौजवान ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए जा रहे हैं और हम कहते हैं अल्लाह हम हल्की बिल लाएंगे ये सब कब्रिस्तान को आबाद करने वाली टीम आज हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हमारे यहां तकरीरें हैं जलसे हैं जुमे का खिताब है गली गली में मौलाना है मौलवी है मदरसे हैं मस्जिदें हैं तबलीगी जमात है खानका है, इन सब के बावजूद क्या वजह है कि हम अपने नौजवानों को दीनी और शरी तरबियत क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम उन्हें क्यों नहीं बता पा रहे कारोबार में हम मुसलमान नहीं सड़क पे हम मुसलमान नहीं बिजनेस में हम मुसलमान नहीं जिंदगी के किस मैदान में हम मुसलमान हैं बताइए अगर जिंदगी के मैदानों में एक मुसलमान मुसलमान बन जाए अपनी सड़क को आज हम तकरीरें करते हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों एक वो मुसलमान पड़ोसी के हक में और पड़ोसी के हकूक पर और पड़ोसी की मोहब्बत में क्या तकरीर करेगा जो घर से निकलते वक्त पड़ोसी के दरवाजे पर थूक कर आगे बढ़ता हो जिसके मुंह में डेढ़ डेढ़ किलो और डेढ़ डेढ़ लीटर का गुट पाउडर अंदर में हो और वो जब थूकता हो तो मालूम होता कि पाइपलाइन चल रही है ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रखते क्या उम्मीद रख सकते बताइए हाल यह है किस बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो तो हर कोने में थूके ये थूकने वाले कौन लोग हैं सुनिए याद रखिएगा माहौल हमें बनाना पड़ेगा यहां के जो मुसलमान हिंदुस्तान में जो मुसलमान हर दो मिनट पर थूकता है वो भी जब सिंगापुर जाता है तो सारा दिन अपने थूक को अपने मुंह के अंदर ही रखकर फिरता है उसे किसने मजबूर किया वो जानता है कि अगर यहां थूकूंगा तो इतने डॉलर जुर्माना लगेंगे कि दिमाग दुरुस्त हो जाएगा अजीजा ने मिल्ल जो यहां डंडी मारता है चोरी करता है वो उन मुल्कों में जब जाता है जहां चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है तो वो चोरी क्यों नहीं करता माहौल बनाने पड़ेंगे माहौल जब बनेगा तो हमारे अंदर तरबियत आएगी और हम अच्छे पड़ोसी की तमन्ना न करें बल्कि अच्छे पड़ोसी बनने की अल्लाह से दुआ करें हम खुद क्यों नहीं बनते अच्छे पड़ोसी जब उम्मीद रखते हैं कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो और याद रखिएगा घरों में रहने वाली बेटियां और माए इनकी इज्जत कीजिए मैं बहुत ज्यादा तो कुछ कहने की पोजिशन में नहीं हूं लेकिन मैं एक बात एक इकबाल जुर्म के तौर पर कहना चाहता हूं और कोई करे न करे मैं करता हूं पिछले सत्तर पचहत्तर सालों में हमने तालीम के मैदान में तरबियत के मैदान में अगर किसी को सबसे ज्यादा जालेमाना तौर पर नजरअंदाज किया है तो हम जैसे लोगों ने घर की बेटियों को नजरअंदाज किया है इतदाद की वजह मुझसे पूछते हैं आज वक्त नहीं है वरना बता देता कि हर मुर्त होने वाली बेटी का जिम्मेदार इस इस उम्मत का इस समाज का समाज वो तबका है जिसके कांधों पर जिम्मेदारियां थी कि अपने घरों से राबिया बिस्रिया पैदा करें और तैयार करें जिस समाज में माए अजीम नहीं होती हैं उनके गोद में परवरिश पाने वाली औलादे भी कभी अजीम नहीं हुआ करती हमने माए कहा तैयार की कहा तैयार की हमने बेटियां कहां तैयार तो की आज आइए अपने घरों में हम अपने 50 परसेंट इस ताकत पर रहम करें और यह रहम हम कोई एहसान नहीं कर रहे ये उनका हक है जो अल्लाह ने दिया है और ये कहता जाऊं अपनी जायदाद में अपनी प्रॉपर्टी में मुसलमानों अपनी बेटियों का हक अपनी जिंदगी में दे दो अपनी जिंदगी में दे एक कील निकलती है तो कील दे दो चवन्नी निकलती है तो चवन्नी दे दो वरना याद रखना जो बाप अपनी बेटी का हक नहीं देता जो भाई अपनी बहन को उसका हक नहीं देता वो तहज के साथ हज के साथ उम्र के साथ जब भी मरेगा डाकू बनकर मरेगा वो डकैत थे, इसलिए अल्लाह और अल्लाह के, के नबी सल ने यह हक दिया इस मामले में हम कमजोर होते चले जा रहे मैं बहुत ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकता आपका छोटा हूं लेकिन इतना कहूंगा हर काम से पहले आइए दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अपने अखलाक को दुरुस्त करने की तोहफी अता फरमाए अखलाक दुरुस्त कर लीजिए दिलों में रहम पैदा कीजिए तमाम इंसानियत के लिए तमाम इंसानियत के लिए और साथ ही साथ जबान में मिठास तैयार कीजिए फिर देखिए दिलों में रहम जुबा पे मिठास सन अखलाक के साथ चलिए जो गालियां देते थे वो रुक कर सलाम करेंगे इन दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत है और मोहब्बत के पौधे जमीन पर नहीं इंसान के दिलों में उगा करते हैं आइए मैं पचास साल उम्मीद के साथ इस उम्मीद पर यह बात कह जाता हूं कि शायद आज ही मायूसी के अंधेरों से उम्मीद की एक किरण फिर नमोदार हो जाए और वह आपके शहर से हो जाए कहीं से हो जाए अल्लाह खुश रखे सलामत रखे जो आए उन्हें भी और जो ना आए अल्लाह उन्हें भी सही समझ अता फरमाए और इसी तरह ये शहर जाग जाए आप अपने आप को खड़ा कीजिए अपने नौजवानों की फिक्र कीजिए नौजवानों को बचाने की जमात तैयार कीजिए अपनी बेटियों के साथ अच्छे सलूक कीजिए और अपने घरों को जन्नत बनाइए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पूरी दुनिया में हमें इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए अव और हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्ब महबतराम पैदा फरमाए अल्लाह हमारे भारत में अमन शांति अता फरमाए यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई हिंदू भाई सारे समाज और धर्मों के दरमियान इंसानी बुनियाद पर अल्लाह अच्छी मोहब्बत और रिश्ते अता फरमाए अल्लाह हमें और आपको पूरी उम्मत मुसलिमा को इज्जत आफियत सलामती खैर और खुशहाली सेहत और तंदरुस्ती और अखलाक के साथ इस्लाम पे जिंदगी ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए आप हजरात से मैं अपने लिए भी दुआ की दरखास्त करता हूँ अपनी दुआओं में याद रखिएगा आखिर वसलम वरह वबरकत